अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक साथ ताल्लुक़, जो कल की वीडियो थी TAIT टेट के लिए ही होगी ये वीडियो हमारी, और ये टॉपिक है, मौजू होगा हमारा अशकाल पर मबनी होगी। आपको सवालिया अशकाल दिए भी होगी उसमें से, और जवाबिया अशकाल भी दी हुई होगी, उसी में से आपको तलाश करना होगा। इस तरह के सवालात को किस तरह हल किया जाता है ये भी देखेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देखें, क्योंकि ये ज़हनी आजमाइश जो हमारा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत रखता है, वहीं से है ये एक साथ ताल्लुक यानी को रिलेशंस। तो इसमें कल भी बताई थी मैंने कि तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हैं ज़खीरे अल्फाज, उसके बाद आता है आपको अशकाल पर मबनी सवालात बनते हैं एग्ज़ाम्स में, और तीसरा हमारा आदात पर मबनी सवालात बनते हैं। तो कल की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा आदात, आज हम देखेंगे अशकाल को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसके नोटबुक ले लें साथ में और अहम अहम पॉइंट को नोट करते चलें, ताकि दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना रहे और अच्छी तरह से जहन नशीन भी हो जाए। स्क्रीन पर जो नज़र आता है और अपन हाथ से जो लिख लेते हैं, ये दो चीज़ें ज़्यादा कारामद होती हैं। अशकाल के सवालात को हल करने के लिए क्या क्या बातें आपको जहन नशीन करनी होगी ये देखें। तो यहाँ पे नोट है, एक सा ताल्लुक़ के तहत दिए गए सवालात में अशकाल का एक सा ताल्लुक़ कई किस्म से होता है। नंबर एक देख लें आप, यहाँ पे अशकाल की तादाद और बनावट में फ़र्क होगा, इस लिहाज से क्वेश्चंस बनेगा अशकाल की तादाद और बनावट के लिहाज से। दूसरा पॉइंट ये है कि अशकाल की जसामत का तब्दील होना, यानी अशकाल की जो बनावट है उसकी जसामत जो है छोटा बड़ा कम ज़्यादा, तो ये सारे इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरी चीज़ ये याद रखनी होगी कि अशकाल में दिगर कोई भी मखसूस तब्दीलियाँ होगी, यानी जो अशकाल सवाल में दिए भी होगी उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आपको महसूस होगी। चौथा ये है कि खतूत की तादाद, यानी ख़त जो होते हैं ये लाइन इस तरह के ख़त होंगे वो कम या ज़्यादा होंगे। इसके बाद ही शक्ल की सिमत भी तब्दील होगी, कभी इस सिमत में शक्ल दिए होगी तो कभी इस सिमत में दिए भी होगी, कभी इस तरह से दिए भी होगी, तो किसी भी सिमत में तब्दीली होगी अशकाल के कि शक्ल के अंदरूनी हिस्से में किसी किस्म की शक्ल का होना, अंदर कोई और शक्ल होगी या पे बाहर और कोई और शक्ल होगी इस तरह से, तो वो भी जहन में रखना होगा। तो सवाल ये होता है कि अशकाल के सभी जोड़ियों में दोनों शक्लों का ताल्लुक मंदरजा बाला हिदायत के मुताबिक तलाश करना होगा, जो अभी हमने जो पॉइंट है वो अहमियत रखते हैं आपको सवाल हल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन नशीन करनी होगी और इसी तरह से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कम से कम 20 से 30 इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे, इस 20 से 30 सवालात इंशाल्लाह करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। सवाल दिए गए अशकाल के पहले और दूसरे अरकान में मखसूस ताल्लुक़ होगा, पहला और दूसरे में सेम ताल्लुक़ होगा, और तीसरे में वही ताल्लुक़ होगा जो चौथे में होगा। तो चौथा हमें तलाश करना होता है कि उसमें क्या ताल्लुक़ है, तो पहले दो को देखकर हम तीसरे और चौथे के ताल्लुक़ को बता सकते हैं। तो शुरू करेंगे, ये इस तरह से यहाँ पे सवालिया शक्ल नज़र आ रही होगी। तो पहले यहाँ पे दिए हुआ है, देखें
इस सवाल में एक मुसलस दिए हुआ है, फिर मुरब्बा दिए हुआ है, फिर इस तरह की शक्ल दिए हुई है। तो और यहाँ नीचे आपको जवाबी शक्ल देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे ये जवाबी शक्ल है। अब ये किस बुनियाद पर हमें इसे तलाश करना होगा आंसर, तो देखिए पहले जो अशकाल दिए हुए हैं ये पहली, तो इसमें क्या है मुसलस बनाया हुआ है, ये ख़त है, ये ख़त और ये ख़त, ये तीनों ख़त जब मिलते हैं तो मुसलस बना दिया गया है। यहाँ पे क्या करें वहाँ दूसरी शक्ल में एक ये ख़त, ये ख़त, ये ख़त और ये ख़त, तो यहाँ पे ये इसमें तीन है ख़त, तो इसमें क्या है चार है, तो यहाँ पे एक का इजाफा हुआ है, तीन में तीन और एक चार, तो यहाँ पे एक ख़त का इजाफा हो रहा है। तो यही चीज़ आगे भी आपको फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ख़त की काउंटिंग कर ले, गिनती कर ले, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे कुल पाँच ख़त मिलेंगे आपको। ये पाँच है तो हमारा एक ख़त का इजाफा होगा यानी छः हो गए, जिस शक्ल में छः ख़त हो गए वही हमारा आंसर हो गया। तो ये जवाबी शक्ल देख लें, यहाँ पे गिन ले तो एक दो तीन चार, यहाँ चार है, यहाँ एक दो तीन चार, यहाँ पाँच छः, ये बहुत ज़्यादा हो रहे, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर बच गया हमारे पास ये। तो देख लें यहाँ पे काउंटिंग कर ले, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, तो पहली शक्ल में हमारे पास थे उसमें एक का इजाफा करें तो ये छः बन गए इस तरह से। दूसरा सवाल यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ एक दायरा दिया हुआ है, उसके बाद है एक मुसलस, फिर मुसलस है, फिर दायरा है, फिर ये मुसलस है लेकिन अलग तरीके से बना हुआ है और ये मुरब्बा, तो यहाँ पे जो ताल्लुक है इसमें और इसमें वही ताल्लुक हमें चौथे में भी, तीसरे और तीसरे का ताल्लुक चौथे से जोड़ना है। दायरा और मुसलस ये दोनों मुशाबा है लेकिन इस इनके जसामत में भी फ़र्क हो गया है, तो यहाँ पे जो दायरा है ये बड़ा है और ये दायरा जो दिया हुआ है छोटा दिया हुआ है, और इनका मुकाम भी तब्दील किया हुआ है कि ये दायरा इधर हो गया और ये मुसलस इधर हो गया, तो इसी ताल्लुक को आगे देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस ये तीसरे में भी क्या करना है हमें, ये चीज़ इधर हो जाएंगी और ये चीज़ इधर हो जाएंगी और इनके जसामत में भी फ़र्क होगा, जैसे यहाँ पे छोटा है और यहाँ बड़ा है, इसी तरह से यहाँ पे देख ले इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पहली शक्ल में दायरा बड़ा था तो दूसरी शक्ल में दायरा यहाँ पर छोटा हो गया, इसी तरह यहाँ पे हमें चौथा आंसर सही होगा, यहाँ पे मुरब्बा बड़ा हो जाएगा और मुसलस छोटा हो जाएगा। ये इस तरह के दो दायरे हैं, यही बताना है कि इसमें अब ये इसका ताल्लुक बताना है किस तरह से होगा। तो पहले दो दायरे देखने पर हमें ये नज़र आ रहा है कि यानी ये अशकाल आईने के अक्सी खसूसियात को जाहिर कर रहे हैं, इस लिहाज से इसका राइट आंसर होगा ये तीन, तीसरी शक्ल हमारा राइट होगी तीसरी। सवालिया अशकाल इस तरह से यहाँ पे दिए भी है, एक सवालिया अशकाल दिए भी है, ये इस तरह से ये एक लाइन खींच कर इस तरह से बनाए हुए हैं, फिर आगे की शक्ल में क्या कर दिया हुआ है, इसके नीचे ही एक लकीर डालकर ये यहाँ पे एक उमोदी लकीर भी, और यहाँ पे इस तरह की एक है, ये एक दो और ये तीन, तो यानी इसका ये पहली शक्ल का यहाँ पे दुगना कर दिया हुआ है, ये पहली शक्ल तीन कतार पर मुश्तमिल है, इसे दुगना कर यहाँ पे ये इस तरह की शक्ल बनाई हुई है, छः कतार पर मुश्तमिल ये शक्ल बनाई हुई है, तो यहाँ पे भी वही ताल्लुक होगा, यहाँ पे दो कतार पर मुश्तमिल ये शक्ल है तो इसका दुगना कर दिए तो चार कतार पर मुश्तमिल शक्ल आपको जवाब इसमें तलाश करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जवाबिया अशकाल में कितने, ये पहला आंसर तो कट हो जाएगा क्योंकि इसमें दो खतात हैं, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच है, तो ये भी कट हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो जो पहली शक्ल ये है
और इसमें दो का इजाफा करे हुआ है, ये एक और ये दो, तो ये इसका राइट आंसर 3 होगा। अब सवालिया अशकाल में तीर के निशान दिए हुए हैं पहले दो ग्रुप में, ये दो के ग्रुप में तीर का निशान है, पहले स्ट्रेट लाइन से है यहाँ पे तीर, और इस तीर को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है, तो इसी तरह से इसे भी वैसे ही देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस होना चाहिए, ये भी ये जो भी शक्ल है इसको थोड़ी सी क्रॉस करके देखना होगा, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तीर का निशान ये इस तरह की ये शक्ल नहीं होगी, इसका पहला आंसर नहीं होगा क्योंकि ये इस तरफ है, हमें इस तरफ होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरफ से ये खाली ये मैच हो रही, तो इसका राइट आंसर होगा 2। इस सवाल में किस तरह से इसे हल करना है ये देख ले, तो यहाँ पे सवाल में पहले इसमें दिख रहा होगा आपको ये शक्ल, पहली शक्ल में कायमा जाविये पर बाएं जानिब घूमकर, पहली शक्ल में आपको कायमा जाविये पर मुश्तमिल मुतसीला मुतमासिल शक्ल मुकम्मल करती हैं यहाँ पे इस तरह से, और यही ठीक इसी तरह जवाबी शक्ल में हमें यही तलाश करना है कि इसमें कौन सी शक्ल जो खायमा जाविया बनाते हुए घूम जाती हैं और मुतसीला मुतमासिल शक्ल मुकम्मल करती हुए, जवाब में हमें इस तरह का ताल्लुक तलाश करना होगा, तो इसका राइट आंसर ये 4 होगा। यहाँ पे इसका राइट यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, सवाल या अशकाल दिए हुए है ये इस तरह से शक्ल बनाकर, ये सवाल दिया हुआ है, ये भी शक्ल है, ये भी शक्ल और ये भी शक्ल है, तो इसमें इन दोनों शक्ल में क्या क्या फ़र्क है ये देख ले, तो देखें यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 यानी ये मुखमस की शक्ल में है, मुखमस की शक्ल में है, और इसमें एक का इजाफा कर एक और शक्ल बना दी गई है इसी शक्ल को, तो 1 2 3 4 5 6 यानी मुसद्दसी शक्ल बनाई हुई है, ये मुसद्दसी शक्ल को बनाकर ये जो पहली शक्ल है उसे क्या है घुमाकर 180 का जाविया बनाते हुए इसे घुमाकर इसके अंदर रखा गया है, तो यहाँ पे इजाफा किया जा रहा है एक खत का, और इससे जो शक्ल बनी रही है वो मुसद्दसी शक्ल हो रही, और इसे ये पहली वाली शक्ल को घुमाकर इसके अंदर रखा जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ है, तो अब ये यहाँ पर ऊपर की तरफ है यानी 180 दर्जे का जाविया बनाते हुए इसे घुमाया गया है, तो यहाँ पे भी वही रिलेशन देखना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ ये मुसल्लस की शक्ल में होगा, इसमें एक का इजाफा करेगा तो ये मुरब्बा बन जाएगा, यानी 4 खतात पर मुश्तमिल ये मुरब्बा बन गया, और इसी को घुमाकर हम इसको इसके अंदर रखेंगे, तो ये नीचे का हिस्सा आप आम समझ लें, आम इसमें नीचे का जो हिस्सा है उसे ऊपर की ओर कर दें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह की शक्ल जहाँ भी है वो हमारा राइट आंसर होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर 3 होगा। तो किसी भी तरह से रिलेशन देखना है और जवाब की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे देखिए ये 2 आदद दिए हुए हैं, 1 15 1 19 फिर 7, तो अब इसमें क्या रिलेशन है, तो ये पहले 2 आदाद जो है तो 2 हिंसी आदाद है, कौन से 2 हिंसी आदाद है और ये सिंगल आदाद है, तो यहाँ पे हमें 2 हिंसी, अब तो यहाँ पे हमें 1 हिंसी आदाद ही देखना होगा, तो यहाँ इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे ए होगा, ये बाकी के तीनों भी 2 हिंसी आदाद हैं, बाकी के तीनों भी क्या है 2 हिंसी आदाद है ये तीनों भी, इसलिए इसका राइट आंसर सिर्फ 6 होगा। अशकाल दिए हुए हैं और उसे इस तरतीब से लगाया गया है, तो यहाँ पे पहले शुरू में ये देखें कि ये
पहली शक्ल में एक मुसलस दायरा और मुरब्बा दिया हुआ है, तो दूसरी शक्ल में इसने क्या करा, बीच का जो दायरा है उस यानी बाहर रख लिए गया है। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो अशकाल बनेगा तो ये भी मुरब्बा है तो ये इसके अंदर बाहर आ जाएगा। और दूसरा ये करा उसने यहाँ पे के नीचे की जो शक्ल है, नीचे की जो शक्ल है इसमें क्या करा, इसने नीचे की शक्ल को रख दिया है इसके दायरे के अंदर और ये ऊपर का जो हिस्सा है उसे उसके अंदर रखा गया है मुरब्बे के अंदर। तो यही यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे दायरे को हमने बैरून करा तो यहाँ पे हम मुरब्बे को बैरून का बैरून में लेंगे। उसके बाद नीचे का जो मुसलस है यहाँ पे नीचे के हिस्सा जो मुरब्बा था उसे इसके अंदर किया तो यहाँ पे मुसलस इसके अंदर आ जाएगा और मुसलस के अंदर ये ऊपर की शक्ल आ जाएगी। तो ये इस तरह की जो भी शक्ल है आप जवाबी वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहले देख लें ये मुरब्बा फिर मुसलस और फिर ये, फिर एक दायरा दिया हुआ है फिर मुसलस फिर मुरब्बा। तो यहाँ इस शक्ल में क्या किया हुआ है कि ये जो दायरा है उसे बीच में लिया गया है और यहाँ का जो मुसलस है बीच का उसे जसामत में इसे बड़ा कर मुसलस बनाया हुआ है और ये जो मुरब्बा है यहाँ पे उसकी बनावट को थोड़ी छोटी कर दिया हुआ है इस साइड में, यानी इसका मकाम भी चेंज किया हुआ है और इसकी जसामत भी चेंज की हुई है। तो यहाँ पे वैसा ही करना है। तो यहाँ पे दिए हुआ है दायरा तो यहाँ पे जो प्लस का निशान है उसे हम लेंगे सबसे पहले बीच में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिए हुआ था बीच के हिस्से को बड़ा मुसलस को यहाँ पे पड़ा किया हुआ था, यहाँ पे बीच के हिस्सा यहाँ पे हमारा आग जमा तो इसे हम ऐसा बड़ा कर देंगे और बच गया अब हमारा यहाँ पे ये एक है और ये प्लस है इस तरह से। तो ये जो एक है यहाँ पे इसे हम छोटा कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा इस तरह से होगा, इसका राइट आंसर हमारा चार होगा जिस तरह से ये दिया हुआ है। ये एल समझ ले, ये एफ समझ ले और यहाँ एन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक खत है, ये दो खत और तीन, इसके बाद इसमें एक का इजाफा कर ये शक्ल मिली है एफ बना है। तो यहाँ पे ये एक दो तीन, ये यहाँ पे भी वैसे ही करना है एक दो और ये तीन। तो यहाँ पे जो शक्ल आएंगी उसमें चार खत देखना होगे हमें। तो ये इसका आंसर क्या होगा, पहले तो ये ओ नहीं होगा और ये टी भी नहीं होगा क्योंकि ये दो खतात पर मुश्तमिल है ये भी, और ये वी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी दो खत पर मुश्तमिल है। ई होगा इसका राइट आंसर। तो ये एक दो तीन और इधर का एक चार, तो ये चार खत पर मुश्तमिल है इस तरह। यहाँ मुरब्बा दिया हुआ है और यहाँ इसका अपोजिट इस तरह से दिया हुआ है, यानी उफोखी मुतवाजी खतूत को घुमाया गया है। तो यहाँ पे भी इसका वैसा ही आपको तलाश करना होगा। तो इसका राइट मुखालिफ हिस्सों में घूम जाता है, ये इस तरफ है तो ये क्या है, अब नीचे की ओर आएंगे, ये इस तरह से नीचे की ओर आएंगे तो वही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर दो है। यहाँ पे एक मुसलस है, उसके मुसलस के अंदर हमें एक दायरा मिलेगा और एक प्लस और नीचे से ऐसा खौस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, दूसरी बार इसे खौस को दो हिस्सों में बांटा गया और मुसलस को ज्यों का तो रखा गया है और ये अंदर की जो दो अलामतें थीं दायरा और प्लस इसको हटाकर एक नई अलामत हमारी क्या है ज़रब की लगाई। उसी इस तरह के ताल्लुक को ही अब यहाँ पर भी हमें वही देखना है। तो यहाँ पे आपको एक ऊपर की ओर खौस देखने को मिलेगा, ये खौस और बीच में मुरब्बा और इसके अंदर दो स्टार और दो मुरब्बे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि
क्या है, खौफ रहेंगे जवाबी शक्ल में, और ये अंदर की जो चीज़ों को हटाकर एक नई शक्ल आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दायरे और प्लस को हटाकर यहाँ पे ज़रब की अलामत ली गई है। इसी तरह का रिलेशन हमें यहाँ पे जवाबी आंसर में देखने को देखना है। तो पर के दो अलामत को गायब कर कर यहाँ पे एक अलामत ली गई थी, तो इसी तरह यहाँ पे चार अलामतें हैं, तो यहाँ पे दो को गायब कर कर दो अलामतें ली जाएंगी, चार नहीं। तो सबसे पहले की शक्ल में तो खौस वगैरह दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक ही अलामत है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे स्टार और ये मुरब्बा नहीं लेना है, क्योंकि हमें नई नई शक्ल लेना है, नहीं है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दो खौस नहीं है। नहीं, इसका राइट आंसर यही होगा कि यहाँ पे आपको दो खौस भी मिलेंगे, मुरब्बा भी मिलेगा, और यहाँ पे जो अंदर की अलामतें भी चेंज मिलेंगी। पहले यहाँ पे मुसलस और दायरा मिला, अंदर की नई अलामतें हैं, और यहाँ पे स्टार, पहले हमारे सवाल में क्या था, मुरब्बा और स्टार थे। इस तरह से ये शक्ल देखें कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक पंखड़ियाँ दिए हुई हैं, ये एक दो तीन चार, तो यहाँ पे चार कुल कितनी है, चार पंखड़ियाँ हैं। तो दूसरी शक्ल में एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें क्या है, दो का इजाफा किया हुआ है, तो ये छः पंखड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे एक दो और ये तीन, तीन है तो तीन में दो का इजाफा करेंगे तो पाँच पंखड़ियाँ मिलेगी हमें। तो अब जवाबी शक्ल हमारी पाँच पंखड़ियों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख ले, पहला आंसर गलत होगा क्योंकि चार है, उसके बाद यहाँ पे छः है, यहाँ पे दो है, तो बच गया हमारे पास दो, तो ये राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे कुल पाँच पंखड़ियाँ। दिया है मुरब्बा, मुरब्बा के अंदर दिया है मुसल्लस, और इस शक्ल में दिया है मुसल्लस और उसके ऊपर मुरब्बा, तो यहाँ पे जो मुरब्बा है उसकी जसामत को चेंज कर दिया गया है, बनावट को चेंज कर दिया गया है, तो यही यहाँ पे भी वही फॉलो होगा। या अंदर की शक्ल को हम बाहर ले लेंगे और ये जो दायरा है उसकी जसामत को हम कम कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो बच गया हमारे पास ये। इस तरह से एक शक्ल दी हुई है, यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया, इस तरह से एक शक्ल दी हुई है, और फिर बाद में क्या है, इसी शक्ल को इस शक्ल में क्या है, जोड़ दिया गया है। तो ये यहाँ का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसे यहाँ लाकर फिट कर दिया, तो ये शक्ल आ गई हमारी। तो यही ताल्लुक़ हमें यहाँ पे भी लगाना होगा, यही रिलेशन। तो इसे जब हम यहाँ पे ऐसा जोड़ देंगे, इस तरह कर देंगे, तो ये शक्ल हमें मिलेगी, इस तरह की शक्ल हमें मिलेगी, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो नज़र आ रहा होगा ये चार अशकाल पर मुश्तमिल वी को सवालात। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे आदात पर मुश्तमिल, और इस तरह से एक सा ताल्लुक का ये यूनिट कम्प्लीट हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह।